Yes, this mole is being used to produce the riboflavin. What is riboflavin? Yes, vitamin. This mole is being used to produce the riboflavin, and usually it produces the orange colonies. When we have created the azotrope, when we have produced and we have introduced the mutation or the mutagenesis into the genetic makeup, and mold is ready to produce the maximum riboflavin, तो हो गया क्या, जो मोल्ड की कॉलोनीज हैं उनका कलर ऑरेंजिश हो जाएगा. दिस वुड बी द इंडिकेशन दैट नाउ दिस मोल्ड इज एबल टू प्रोड्यूस द मैक्सिमम राइबोफ्लेविन एंड वी हैव डन द म्यूटाजेनेसिस एट द राइट प्लेस. तो ये हमारे पास एक इंडिकेटर है इसके अंदर, जो कि हमें कलर कॉलोनी कलर चेंज से वी आर हैविंग एन इंडिकेशन दैट वी आर सक्सेसफुल टू क्रिएट द म्यूटाजेनेसिस, वी आर सक्सेसफुल to modify the genetic makeup, and this strain is producing the maximum riboflavin. Iski detail mein hum abhi nahi ja rahe ki why this orange color is being produced and what does it mean. Iske baad agli example hai Pythia rhodozyma ki. This is a yeast, aur ye jo yeast hai normally it used to produce a compound that is astaxanthin. Here it is written astaxanthin. Ye pink color ka compound hai. और अगर जब हम ये इस स्ट्रेन को रोडोजाइमा को अगर हम ऑब्जोट्रॉप बनाएं जो रोडोजाइमा की म्यूटाजेनेसिस करवाएं, तो नॉर्मली रोडोजाइमा जो है इट यूज्ड टू प्रोड्यूस रेड पिगमेंट रेड कैरोटीनाइड. और इसको हम एक्सेस कैसे करते हैं, इसको हम डिटेक्ट करते हैं लाइक दिस. ये एक सैल्मन फिश है. व्हेन वी ग्रो द यीस्ट अलोंग विद दिस सैल्मन फिश, तो सैल्मन फिश का जो मसल्स हैं, ये मसल्स इन मसल्स में हमारे पास पिंकिश कलर अपीयर होना शुरू होता है यहाँ पे और यहाँ पर. सो दिस इज द इंडिकेशन दैट यहाँ पे हमारी यीस्ट है पिथिया रोडोजाइमा दैट इज बीइंग ग्रोन. दिस यीस्ट इज प्रोड्यूसिंग द एस्ट्राजेंथन. एस्ट्राजेंथन इज द पिंक कलर ड्यू टू व्हिच द मसल ऑफ दैट सैल्मन फिश इज इन द पिंक कलर. सो दिस इज द इंडिकेशन दैट वी हैव कंप्लीटेड आवर म्यूटाजेनेसिस, वी हैव कंप्लीटेड आवर टारगेटेड म्यूटाजेनेसिस बाय यूजिंग द म्यूटाजेनेसिस. कुछ एग्जांपल्स हैं जिसे मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाउ वी डिटेक्ट द अब्जोट्रॉप्स और हाउ वी डिटेक्ट द म्यूटाजेंस. इसमें मल्टीपल कॉलोनीज का कलर चेंज या कॉलोनीज अगर दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ कॉम्बिनेशन में ग्रो करती हैं तो उनके मसल्स का कलर चेंज, हम इस तरह से इसको डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं. एक मिनट सिर्फ एक मिनट. इसके अलावा अभी एक एग्जाम्पल आगे आएगी दैट विल बी अबाउट द अमाइनो एसिड प्रोडक्शन और 5-AMP की, वो थोड़ी सी आप लोगों को समझने वाली होगी, उसके अकॉर्डिंग फिर हम बात करते हैं. अच्छा जी, अगला जो है दिस इज अबाउट अगेन डिटेक्शन ऑफ अक्सोट्रॉप्स और अक्सोट्रॉप के डिटेक्शन के साथ यहाँ पे दो बातें हैं. मैं इसको कोशिश करता हूँ कि अगर आप लोगों को बोर्ड नजर आना शुरू हो जाए तो मैं इसके थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ ताकि दो बातें मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ. देखें सपोजिंगली there is a bacteria named A. Supposingly this is the bacteria A. इसको हमने इसकी mutagenesis की है और इसकी mutagenesis की है for the production of lysine. My example there for the production of lysine. And lysine is a amine. ये bacteria A. दूसरा में हमारे पास बैक्टीरिया, इसको मैं नाम देता हूं बी एंड दिस इज द अक्सोट्रॉफ फॉर लाइजिन. ओके गॉट इट. बैक्टीरिया ए जो है ये करता है ओवर प्रोडक्शन ऑफ लाइजिन और ये जो है दिस इज द ऑक्सोट्रॉप फॉर लाइजिन. इट मींस दैट बैक्टीरिया बी जो है अगर मीडियम के अंदर लाइजिन नहीं होगा तो बैक्टीरिया बी ग्रो नहीं कर सकेगा. बिकॉज दैट इज ऑक्सोट्रॉप इट डज नॉट हैव एबिलिटी टू प्रोड्यूस इट्स ओन लाइजिन. बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब है कि बैक्टीरिया बी को ग्रो करने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड द लाइजिन इनटू द मीडियम. एक बात अब हमने किया क्या, ये हमारे पास एक चेक पॉइंट है, इसको साइड में करते हैं. अब आते हैं इस पे. बैक्टीरिया ए एक बैक्टीरिया था, इसके अंदर हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन की. मॉडिफिकेशन का पर्पस ये था
कि हम देखते हैं कि ये लाइसिन को ओवर प्रोड्यूस कर सकता है कि नहीं कर सकता, और लाइसिन हमारा टारगेट अमाइनो एसिड है, अमाइनो एसिड है, टारगेट अमाइनो एसिड है, हम इसको प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं। हमने उसके लिए बैक्टीरिया ए सेलेक्ट किया, बैक्टीरिया ए के अंदर मॉडिफिकेशन की, मॉडिफिकेशन करने के बाद अब हम रिज्यूम कर रहे हैं कि बैक्टीरिया ए जो है ये लाइसिन को ओवर प्रोड्यूस कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये चेक कैसे किया जाए कि ये मैक्सिमम प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा, इन दोनों को सिम्बायोटिकली ग्रो करवाएंगे एक पैटी प्लेट पे। अब ये जो है ये लाइसिन के बगैर ग्रो कर नहीं सकता और ये लाइसिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और मीडियम के अंदर हम लाइसिन नहीं देंगे, मीडियम के अंदर लाइसिन नहीं देंगे। अब करेंगे क्या कि एक पैटरी प्लेट बनाएंगे, अगर ऑनलाइन ऑडियंस को ये बोर्ड नजर आ रहा है तो इसका मैं ड्रॉ कर दूं। हसन? यस सर, आ रहा है। अच्छा, नहीं आ रहा नजर। पैटरी प्लेट लेंगे, इस पैटरी प्लेट के ऊपर ऑलमोस्ट 100 सेल्स ऑफ बैक्टीरिया ए, 100 लाइक दिस, इस तरह से मिसाल के तौर, और फिर इस बैटरी प्लेट के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 10^8 सेल ऑफ बैक्टीरिया बी हम उसको स्प्रेड कर देंगे लाइक दिस, ओके, लाइक दिस। सर, एक्सक्यूज मी सर, अब एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। अब हो क्या रहा है, अब हो क्या रहा है इस केस में कि ये जो बैक्टीरिया ए है इसके अराउंड ग्रोथ आ जाएगी, यहां पर ग्रोथ आएगी, क्यों? क्योंकि ए इज प्रोड्यूसिंग लाइसिन और बी को लाइसिन रिक्वायर्ड थी, तो बी वहां भी ग्रो करेगा जहां पे लाइसिन अवेलेबल है, तो जितने भी ए हैं इनके अराउंड एक ग्रोथ का जोन आएगा, जोन ऑफ ग्रोथ, ओके। नाउ वी विल मेजर द जोन ऑफ ग्रोथ, अगर जोन ऑफ ग्रोथ हमारे पास ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल ज्यादा एरिया पे आता है इस तरह से, तो इसका मतलब है lysin is being produced at the maximum quantity. अगर हमारे पास zones minimum आते हैं, तो इसका मतलब है lysin produced तो हो रहा है, लेकिन उसकी वो खास quantity produced नहीं हो रही। So this is another method to detect the azeotrophs. Detection of azeotroph हम पढ़े। This is another method to detect the azeotroph. Is that clear? हाँ। you can spread or either you can stab on there. Yeah. बिल्कुल उसी तरह जैसे आप एंटीबायोग्राम्स के लिए लगाते हो। Yes. Sir. Yes. Zone of inhibition. बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह microbiology में आपने zone of inhibition पढ़ा था around the desks of the antibiotics, इसमें zone of growth आएगा और आप growth को measure करेंगे, जितना maximum lysin produce हो रहा उतनी zone of growth बड़ा आएगा। मैंने ये बनाने की कोशिश की है। ओके, यस अजय, ए सेल्स की क्वांटिटी इसलिए कम रखी है बिकॉज़ वी आर अज्यूमिंग दैट दैट इज प्रोड्यूसिंग द लाइसिन एट द मैक्सिमम क्वांटिटी, और हम ये कंसीडर करते हैं कि वो 10^8 सेल्स के लिए पूरी कंसंट्रेशन 100 सेल्स बना लेंगे। अब अगर हम ये भी 10^8 करते हैं, ये भी 10^8 करते हैं, तो फिर इस तरह से तो हम सिम्बायोटिक रिलेशन में उसका एस्टिमेट ही नहीं कर पाएंगे ना। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? सर, कॉलोनीज को काउंट करेंगे जोन। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है जैन, यार आवाज नहीं आ रही। सर, ये जो आपने ये बनाया ना जोन ऑफ ग्रोथ वाला, इसकी समझ नहीं आई, और दूसरा जो है जबकि बच्चा क्वेश्चन करता है ना सर, उसकी आवाज नहीं आती हमें, आप उसे रिपीट करके उसे क्वेश्चन करो। तुम्हें समझ किस बात की नहीं आई? सर, ये जो आपने सामने बनाया ना, ये जोन ऑफ ग्रोथ वाला। अच्छा, इसकी समझ नहीं आई तुम्हें? ओके, दूसरा मसला क्या है? सर, जब कोई कोकब या राफे कोई भी क्वेश्चन करता है तो उसकी हमें आवाज नहीं आती। अच्छा, अगर तो कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, सबके लिए जरूरी होगा, तो मैं उसको रिपीट करूंगा। ये जेनेरिक क्वेश्चन था जो मैंने समझा नहीं है कि वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन लोगों ने अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की है। आई विल रिपीट द क्वेश्चन अगर कोई ऐसी बात हुई तो, डोंट वरी अबाउट इट। इस बात पे वापस आते हैं, ये तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आई या कहीं से मसला हुआ है? सर, स्टक हो गया था दरमियान में इंटरनेट की वजह से, तो आवाज नहीं आई।
देखो इस केस में आई विल सजेस्ट कि अगर इंटरनेट स्टक हो जाता है तो उसमें इट्स फाइन, इस तरह के टेक्निकल इश्यूज हमारे साथ आएंगे, मैं इसको रिपीट करने की कोशिश करता हूँ लेकिन बड़ा क्विकली करूंगा। उसके अलावा इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, आप वो देखेंगे फिर मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा, हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं क्विकली इसको बता देता हूँ। एक्चुअली वी वांट टू डिटेक्ट द अज़ोट्रॉफ दैट वी हैव प्रिपेयर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइसिन, लाइसिन के लिए ये बैक्टीरिया ए दैट इसकी हमने म्यूटाजेनेसिस किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइसिन। अब हमने इसको डिटेक्ट करना है कि इधर दिस इज प्रोड्यूसिंग द लाइसिन इन द मैक्सिमम क्वांटिटी और नॉट। उसके लिए हम वो वाला स्ट्रेन यूज करेंगे दैट इज अज़ोट्रॉफ दैट रिक्वायर्ड द लाइसिन टू ग्रो, इट कैन नॉट प्रिपेयर इट्स ओन लाइसिन। हम दोनों को एक ही प्लेट पे ग्रो करवा देंगे। स्ट्रेन ए जो है ये लाइसिन प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रेन बी को ग्रोथ के लिए चाहिए है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ए ए ए, दीज आर द पॉइंट्स वेयर यू हैव पुट द स्टैब, स्टैब टू स्ट्रेन ए और इसके ऊपर आपने स्ट्रेन बी को स्प्रेड कर दिया। अब स्ट्रेन बी वहां पे ग्रो करेगा जहां पे लाइसिन प्रोड्यूस हो रहा है, लाइसिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, स्ट्रेन ए। तो फिर हम यहाँ पे इस जोन को, ये जोन ऑफ ग्रोथ आएंगे, इनको मेजर करेंगे। अगर जोन ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम आ रहे हैं बड़े बड़े, हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे, तो इट मींस दैट लाइसिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द मैक्सिमम क्वांटिटी। तो दिस वुड बी द डिटेक्शन ऑफ अज़ोट्रॉफ्स और द डिटेक्शन ऑफ द म्यूटाजेनेसिस। ठीक है, इसको इसके कुछ पॉइंट्स प्रिपेयर कर लो, मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग भी शेयर कर दूंगा, फिर इसको पढ़ना, फिर मेरे साथ डिस्कस कर लेना। आई हैव आल्सो शेयर्ड द काउंसलिंग आर्ट्स ऑन द एलएमएस, तो ये बात क्लियर हो जाएगी, इंटरनेट स्टक हो जाता है आई कैन अंडरस्टैंड। ओके देन ओके ओके सौलत शाह, यू वांट टू आस्क समथिंग? यस सौलत, तो पता नहीं था कि हैंड रेज का मतलब क्या है, अब बोल लेना। कॉकअप कह रहा है कि दिस इज नाइट्रोजनस बेस। यस मानो आपने बोला कुछ, एनीवन एल्स? व्हाट इज आईएमपी, 5-IMP, व्हाट्स इट्स रोल? सर ये न्यूक्लियोटाइड है, ये फ्लेवर एनहांसर के तौर पे यूज होता है। थोड़ा सा ऊंचा बोलें प्लीज। सर मैंने कहा कि ये आईएमपी जो है कि एक न्यूक्लियोटाइड है और ये फ्लेवर एनहांसर के तौर पे यूज किया जाता है। बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने गूगल से, यू आर राइट एक्चुअली, आई वांट टू से दैट। कामरान आप कुछ कहना चाह रहे थे? क्या कहता जो जवेरिया ने कहा कि इट्स अ न्यूक्लियोटाइड जी, सर बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा था कि इट्स अ न्यूक्लियोटाइड। Yes, this is a nucleotide and normally ये flavoring agents के तौर पर इस्तेमाल होता है food biotechnology में
एंड यू शुड बी वेरी फैमिलियर सर इसका फॉर्मूला बताऊं नहीं 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 I can understand you have access to the Google. Don't. अच्छा इसमें ये है फाइव आइनोसेन का थोड़ा सा मैं ये बताता हूँ कि फाइव आइनोसेन दैट इज अ न्यूक्लियोटाइड और नॉर्मली इसमें आप बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी है दिस फाइव आई एम पी दैट विल कन्वर्ट इनटू फाइव ए एम पी ओके नॉर्मली फाइव ए एम पी में कन्वर्ट होता है जो इसका मेटाबोलिक पैथवे है इसके इसके फ्लो में अब होता ये है कि If we need 5 IMP, हमें ये produce करवाना है. We have to produce 5 IMP. क्यों? क्योंकि this is a nucleotide as well as this is a flavoring agent. हमें इसकी ज़रूरत है. अब होता क्या है कि 5 IMP की जो production है, इसमें feedback control आता है. Feedback control. कैसे? For example, ये एक microbial cell है. This cell is producing 5 IMP. 5 IMP jo hai that is being exported out of the cell. 5 IMP. That will be converted into 5 AMP. Aur ye jo 5 AMP hai, this will send a message. Agar medium ke andar 5 AMP ki quantity high ho jayegi, this will send the message. To the cell, do not export other IMP. तो फिर export तो रुक गई. Export रुक गई तो हमारा purpose fail हो गया. Purpose क्या था हमारा? To produce the maximum quantity of 5 IMP. अब 5 IMP क्या है कि वो थोड़ा सा बाहर आया. Medium के अंदर quantity high हुई. Medium से message चला गया cell को वापस. Do not export the 5 IMP that is in the higher quantity into the medium. ये negative है हमारे लिए. This is negative for industrial point of view and for the food biotechnology point of view because हम चाहते हैं कि जितना 5 IMP अंदर बन रहे सारे का सारा export out हो जाए. We want the maximum production. तो इसके लिए हम क्या करेंगे? We need to overcome this feedback inhibition. We need to overcome this feedback inhibition. और इसके लिए हम क्या करते हैं कि medium के अंदर ये जो medium था इसके अंदर manganese का level low रखते हैं. ये आखिरी सेंटेंस लिखा हुआ है मैगनीज का लेवल लो रखते हैं अब जो लोअर लेवल ऑफ मैगनीज है वो क्या करेगा वो 5 IMP से 5 AMP नहीं बनने देगा एट दिस पॉइंट इसको स्टॉप कर देगा जब 5 AMP नहीं बनेगा तो ये फीडबैक इनहिबिशन नहीं दे सकेगा इट मींस दैट बाय प्रोवाइडिंग द मैगनीज इन लो क्वांटिटी इनटू द मीडियम we can enhance the production of 5 IMP uska mechanism kya hai ke lower manganese jo hai that is inhibiting the conversion of 5 IMP into 5 AMP clear ye baat sir mera ji sir mera ek question hai haan ji puchhe acha sir meri baat sune humne to ye magnesium isliye humne off kiya na because ye use ho raha tha hamare paas enzyme के अंदर आधे को फैक्टर ठीक है तो अच्छे सर मेरी बात सुनिए हम रिड्यूस ही कर रहे हैं इसे खत्म कर देना चाहिए सिंपल कामरान तुम्हारी ना आवाज नहीं आ रही प्रॉपर मुझे सिर्फ ये समझ आ रही है सर मेरी बात सुने तो मैं हम अपन गोश हूं आगे वाली बात नहीं समझ आ रही है हम सेलेक्टिव कल्टीवेशन की बात करें या हम सेलेक्टिव एनरिचमेंट की बात करें हमने एनरिचमेंट कल्चर्स भी पढ़ा हुआ है एनरिचमेंट कल्चर्स टू एनहांस द quantity of the cells into a specific medium by providing the growth inhibitors and growth stimulators aur isme jo kuch example padhenge selective enrichment ki for example if we need to grow the microorganisms aur hum microorganisms ko ek mixed culture mein hai aur hum mixed culture mein kisi specific strain ko grow karwana chahte hain to hum culture ki jo physical conditions hain ya jo media ki requirement hai usi hisab se modify karenge ki jo hamara strain of interest hai या जो टारगेट स्ट्रेन है दैट विल ग्रो इन द मैक्सिमम क्वांटिटी एंड अदर स्ट्रेन्स जो ग्रोथ है ग्रोथ ऑफ द अदर स्ट्रेन दैट विल बी डिस्करेज्ड उसकी एग्जांपल्स हैं कुछ यहां पे सबसे पहली एग्जांपल है बाइल सॉल्ट्स की एंड यू आर फैमिलियर विद दैट बाइल सॉल्ट्स दे एक्ट एज अ सिलेक्टिव एजेंट फॉर द गट माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिकली फॉर द इकोलाई एंड इकोलाई दैट इज एन एंटेरिक बैक्टीरियम दैट
That can encourage the production of or the growth of E. coli. Misal ke taur pe crystal violet. Crystal violet mekan ki agar ke andar hum CD crystal violet add karte the, jo ke direct bacteria ya gram negative bacteria ki growth ko encourage karta tha aur gram positive bacteria ki growth ko discourage karta tha. So these are the selective agents which are being used for the selective enrichment of our targeted strain. Okay. इसके अलावा जी हमारे पास एक और एग्जांपल है विब्रियो वल्नीफिकस की. इसमें हम सी वाटर, ये सी वाटर पीएच पे ग्रो करते हैं और नॉर्मली ये सी वाटर पीएच पे ग्रो करते हैं और जो इसकी पीएच रिक्वायर्ड है दैट इज स्लाइटली डिक्लाइन टुवर्ड द अल्कलिनिटी अबव 7 पे इसको ग्रो करवाने के लिए हम पीएच देते हैं. इसी तरह स्टेफिलोकोकस ऑरियस दैट नॉर्मली रिजाइड्स ऑन द ह्यूमन स्किन और इसके लिए जो रिक्वायर्ड कंडीशन है दीज आर द 7.5 to 10% NaCl की प्रेजेंस में ये ग्रो कर सकता है स्टेफिलोकोकस ओरियस और वी हैव टू प्रोवाइड द कंडीशंस इफ वी आर वांट टू ग्रो दैट बट कीप रिमेंबर स्टेफ ओरियस दैट इज कंसीडर्ड एज ह्यूमन पैथोजन. खरीदा आपने किसी लैब में काम किया था उस टाइम मुझे आपने बताया था कि यू आर फैमिलियर विद द स्टेफ ओरियस. ओके यस कौन है मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि this is involved in the skin infections. इसका मतलब है कि skin में जो sebum और जो sweating की वजह से जो NaCl की higher concentration है ये उसको bear कर सकता है. So अगर हमें इसको grow करवाना है तो हम high concentration of NaCl दे दें तो high concentration of NaCl will discourage the growth of the other microorganisms और इसकी growth को encourage करते हैं because that may normally grow on the skin where sebum is present where NaCl in high concentration is present due to the sweating process. Yeah. किसकी मौजूदगी में? Iodine. I'm not sure about it, but I will let you know. Yes. Yes. There are multiple question ye hai ki this is a food biotechnology and why we are considering about the human pathogens. Ek example humne kuch din pehle padhi thi ke xanthan gum production xanthomonas campestris it was a human pathogen but it was produced in the useful product for the human being. So yes, Aspergillus niger bhi padha tha. Same logic will lie here as well as if you know that E. coli are the enteric bacteria and in some cases E. coli we require E. coli in some cases. So I will put the same logic here. But organism may be pathogenic, but its products that its products or symbiotic relationship that may be beneficial for us directly or indirectly. So in some cases we have to grow it. So we are just looking at strategies. अगर हम इनरिच करना है इनकी ग्रोथ को हम किस तरह से ग्रो कर सकते हैं कीपिंग इन व्यू दैट द अदर पैथ. ओके आर यू क्लियर. चलें आगे चलते हैं. अगली बात है द एडिशन ऑफ एंटीबायोटिक्स टू द मीडिया. इसमें जो बड़ी अच्छी एग्जांपल है ये थी गोनोरिया बैक्टीरिया की. इन दैट केस वी ऐड द एंटीबायोटिक्स और इस केस में ये मैंने बड़ी रिलेवेंट एग्जांपल दे दी है. मेरा ख्याल है यहां पे कोट नहीं करनी चाहिए but still you are familiar with it. Antibiotics ki addition se medium ke andar hum kuch microorganisms ki growth ko inhibit kar sakte hain which are sensitive to the antibiotics and we can grow the bacteria which are resistant to that antibiotic by using the narrow spectrum and broad spectrum antibiotics. We can modify all these processes. Iske alawa jo agli example hai this is about the fruit juices. You are familiar with that and fruit juices bacteria yeast and some molds they can grow. और क्यों क्योंकि फ्रूट जूसेस के अंदर नॉर्मली जो पीएच होती है दैट इज अबाउट 3.5 to 5.5 और इस पीएच पे मोल्ड्स ग्रो करती है पहले यीस्ट मोल्ड और फिर क्या कहते हैं कि पीएच जो है उसको कदरे रीजनेबल बनाया जाता है फिर बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो यहाँ पे हमारे पास अपीयर होना शुरू होती है. और नॉर्मली जो आखिरी सेंटेंस है डैमेज्ड वर्सेज अनडैमेज्ड सेल्स
इसको मैं अभी यहाँ पे पॉज करता हूँ, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट स्लाइड्स, ओके। अभी होगा यहाँ फिर से बात आएगी, सॉर प्रोडक्ट की बात आएगी, उसमें बात आएगी कि नॉर्मली फ्रूट जूसेस में हमारे पास पीएच जो है वो 3.5 टू 5.5 हुआ करती है। इस पीएच पे ज्यादातर बैक्टीरिया की ग्रोथ डिस्करेज होती है, लेकिन चूंकि मोल्ड्स और यीस्ट जो है वो इस पे ग्रो कर सकती है, मैंने मोस्ट मोल्ड एंड यीस्ट ग्रो हियर, मोल्ड एंड यीस्ट क्या करेंगे कि फ्रूट जूसेस के कंटेंट को मेटाबोलाइज करेंगी, मेटाबोलाइज करने के बाद दे विल प्रोड्यूस द न्यूट्रिशनली एनरिच्ड एनवायरनमेंट मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, और जो पीएच है वो कदरे स्टेबल होगी, और अब ये जो एनवायरनमेंट है दैट विल बी फिजिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। तो पहले एक ऑर्गेनिज्म ग्रो हुआ, उसने कंडीशन फिजिबल की दूसरे की ग्रोथ के लिए, और अब यहाँ पे पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी ग्रो करेंगे, सो दैट्स व्हाई इसीलिए जो जूसेस और इस तरह की चीजें हैं उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यूज विद इन 3 days आफ्टर इट्स फर्स्ट आफ्टर ओपनिंग द बॉक्स, एंड वो जो यूजेज है वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर रख के आप 3 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। यस मल्टीपल की चीजें आ सकती है, पहले तो या तो कल्चर कराए, उसको कल्चर कराने के बाद यू शुड बी वेरी फैमिलियर या यू शुड बी क्लियर विद इट के हमारे पास ग्रोथ है किसकी है, वो बैक्टीरिया की है, कौन से की है, उसके बाद स्ट्रेटजी यूज करें, आई कैन नॉट कमेंट हियर। अच्छा, वही सिलेक्टिव एनरिचमेंट को ही कंटिन्यू करते हैं, वी कैन प्रोवाइड द डिफरेंट कंडीशंस, टेम्परेचर फिजिकल कंडीशंस प्रोवाइड कर सकते हैं फॉर द सिलेक्टिव एनरिचमेंट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसमें एग्जांपल है बैसिलस स्टेरियोथर्मोफिलस की, दैट इज द बैक्टीरिया हैज एबिलिटी टू ग्रो ऑन द 55 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके अलावा मिनरल सॉल्ट्स मीडिया दैट मे बी यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट इज केपेबल ऑफ यूटिलाइजिंग यूनिक कार्बन सोर्सेज, और इसमें इसमें हम बात करेंगे मेथनॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड नेफ्थलीन की। देर आर मल्टीपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच हैव एबिलिटी टू ग्रो ऑन मेथनॉल एंड द कोलेस्ट्रॉल, नॉट ऑल द बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया जो हैं वो मेथनॉल को एज ए कार्बन सोर्स यूज नहीं कर सकते, देर आर सर्टेन स्ट्रेन which have ability to use to break down the methanol, naphthalene and cholesterol to use them as a carbon source, and carbon source ke taur pe use karenge to iske breakdown karke isko metabolism mein use karenge। to ab agar aapke paas ek mixed culture hai, us mixed culture mein koi ek bacteria aisa hai jo ki methanol pe grow kar sakta hai, to ye methanol jo hai ye selective enrichment ke liye istemal ho sakta hai, ab medium mein agar methanol add kar de as a carbon source aur koi carbon source add na kare तो सिर्फ वो बैक्टीरिया ग्रो कर सकेगा जो मेथनॉल को ब्रेक डाउन करके इसकी एज अ कार्बन सोर्स यूज कर सकेगा, अदरवाइज बाकी बैक्टीरिया दैट आर अनएबल टू यूज द मेथनॉल एज अ कार्बन सोर्स दे वुड नॉट बी अलाउड टू ग्रो हियर। सो स्पेसिफिक कार्बन सोर्सेज या यूनिक कार्बन सोर्सेज दे कैन बी यूज टू सेलेक्ट द स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स, ग्रो द ऑर्गेनिजम्स। सो ये मल्टीपल टेक्निक्स, जब हम अपना फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं इंडस्ट्री के अंदर या हम मल्टीपल सेटअप्स रन कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें यूज करना पड़ता है टू डिस्करेज द ग्रोथ ऑफ द अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज यू नो दैट हमारे रिसोर्सेज बड़े कीमती हैं, और अगर अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहे हैं तो या वो रिसोर्सेज भी वेस्ट कर रहे हैं, और अल्टीमेटली वो हमारी अनडिजायर्ड प्रोडक्ट्स भी प्रोड्यूस करा रहे हैं, और थर्ड नंबर पर कंटेमिनेशन भी कॉज कर सकते हैं जो कि हमारे लिए डेंजरस हो सकती है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू कीप इट इन माइंड। Yes, Kaka, we want to. Sir, methanol एक high evaporating substance है। तो sir, जब हम इसको culture use करते हैं, तो इसकी media preparation जो है, वो certain उसकी requirements media preparation के लिए हमें किस step पे add करना है, तो इसको किस form में add करना है, ये हम उस protocol में नहीं जा रहे। सिर्फ एक example है कि we can add the unique carbon sources, इसमें example methanol, cholesterol, naphthalene की है, that can be used. ओके, यहां तक किसी को कोई मसला मसाइल, कोई क्वेश्चन, एनी इशू? ओके, द नेक्स्ट वन दैट इज अबाउट द सिक्वेंशियल बायोकेमिकल एक्टिविटी। सिक्वेंशियल बायोकेमिकल एक्टिविटी, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। hmm.
अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताएं कि आर यू फेमिलियर विद द सॉर्ट्रॉट? सॉर्ट्रॉट ये लिखा हुआ है जी, सॉर्ट्रॉट दिस वन, ये क्या होता है सॉर्ट्रॉट? सॉर्ट्रॉट आर यू फेमिलियर विद दैट? कभी खाया नहीं इसको? अच्छा, दिस इज द फर्मेंटेड कैबेज. सॉर्ट्रॉट इज द फर्मेंटेड कैबेज. और जिस तरह ओके, सॉर्ट्रॉट इज फर्मेंटेड कैबेज. और जिस तरह से हम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को प्रिजर्व करते हैं बाय फॉर्मिंग द पिकल्स एंड वो जो होते हैं जैम्स एक्सेट्रा, कैबेज को प्रिजर्व करने, कैबेज इज एक्चुअली द वेस्टर्न, ये वेस्टर्न क्यूजीन का पार्ट हुआ करती है. दिस इज फर्मेंटेड, सॉरी नॉट कैबेज, द सॉर्ट्रॉट. सॉर्ट्रॉट वेस्टर्न क्यूजीन का इंपॉर्टेंट पार्ट है. समटाइम्स इसको आप लोगों ने मुझे याद करके खाई होगी कभी ना जिंदगी में, तो खाई होगी. बड़ी जबरदस्त किस्म की होती है वो, हमने लैब में बनाई भी थी, एक इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी की लैब में किसी जमाने में करवाई था. इसको करते ऐसे हैं, कैबेज को श्रेड करके, मैं बता दूं, कैबेज को श्रेड करके उसके ऊपर NaCl स्प्रेड कर देते हैं अच्छी तरह से, फिर एक जार के अंदर डाल देते हैं. बिल्कुल ये पिकल वाला फॉर्मूला है. चार दिन छोड़ने चाहिए, खर्च नहीं है, लेकिन स्टिल उसको मिक्स कर देते हैं. अब वो NaCl डाला हुआ है तो कैबेज में से निकलेगा वाटर और वो ब्राइन बनेगा. अब ब्राइन बनेगा तो ब्राइन की मौजूदगी में NaCl की कंसेंट्रेशन हाई होगी, बैक्टीरियल ग्रोथ नॉर्मली नहीं होगी. तो लेकिन फिर जब ज्यादा वाटर निकलेगा कैबेज में से तो ब्राइन की कंसेंट्रेशन लो होती चली जाएगी, पानी ज्यादा हो जाएगा ना, तो NaCl की कंसेंट्रेशन लो हो जाएगी. जब NaCl की कंसेंट्रेशन लो हो जाएगी तो यहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेंगे. जब अपॉर्चुनिस्टिक बैक्टीरिया ग्रो करेंगे सेल, तो वो सेल्स की डेथ होगी. जब सेल्स की डेथ होगी तो ऑटोलिसिस, ऑटोफेगी होगी. अब यहाँ पे न्यूट्रिशनली एनरिच्ड एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा. इस न्यूट्रिशनली एनरिच्ड एनवायरनमेंट में फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके ग्रो करेंगे. फास्टिडियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करेंगे तो दे विल बी प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड एटसेट्रा. और जो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा तो पीएच लो हो जाएगी. पीएच लो होगी तो एसिडिक एसिडोफाइल्स आके ग्रो करेंगे. और ये सिक्वेंशियल बायोकेमिकल एक्टिविटी, मैं इसकी डिटेल में जाने लगा हूँ अभी. सिर्फ आपको ये बताना था कि सॉर्ट्रॉट क्या है, दिस इज फर्मेंटेड कैबेज, और बनाते कैसे हैं ये पिकल फार्मूला पे बनाते हैं हम. कैबेज को श्रेड करते हैं, उसके ऊपर NaCl की कंसेंट्रेशन जो है उसको NaCl को स्प्रेड करते हैं, उसके ऊपर उसको मिक्स करते हैं और जार को टाइटली बंद करके रख देते हैं. सो यहाँ पे ये देखिएगा इस स्लाइड पे, सो दिस इज अबाउट द लैक्टोबैसिलस प्लैंक्टन. ये एक बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस प्लैंक्टन. इफ वी वांट टू आइसोलेट दिस लैक्टोबैसिलस प्लैंक्टन, तो लैक्टोबैसिलस प्लैंक्टन जो है ये बैक्टीरिया एसिड टॉलरेंट है. एसिड टॉलरेंट है, इसके साथ साथ ये फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म है. फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म कौन से थे? फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म आर द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच रिक्वायर द मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स फॉर देयर ग्रोथ, जिनकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स ज्यादा होती हैं, फास्टिडियस. इसमें हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी ब्लड एगर की, कि ब्लड एगर में चूंकि न्यूट्रिएंट्स एनरिच्ड होते हैं उसमें फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर सकते हैं. सो इफ वी वांट टू ग्रो द ह्यूमन पैथोजेंस इन द एगर, उसमें हमें ब्लड ऐड करना पड़ता है, उसको ब्लड एगर की हमने एग्जांपल पहले पढ़ी हुई है. तो लैक्टोबैसिलस प्लैंक्टन जो है दैट इज अ एसिड टॉलरेंट बैक्टीरिया, एक इसकी एक क्वालिटी. दूसरी क्वालिटी, ये फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स हैं, इसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू नॉर्मल बैक्टीरिया. अब टास्क आपके पास ये है, फॉर एग्जाम्पल टास्क आपके पास ये है एज ए फूड बायोटेक्नोलॉजिस्ट कि आप इस लैक्टोबैसिलस प्लैंक्टन को आइसोलेट करके दें, लैक्टोबैसिलस प्लैंक्टन को आइसोलेट करके दें. तो उसके लिए जो सिंपल स्ट्रेटेजी यहाँ पे लिस्ट की है, सिंपल स्ट्रेटेजी ये है कि हम लैक्टोबैसिलस की जो दो कंडीशन है वो आप ध्यान में रखिएगा. एक कंडीशन ये है कि ये एसिड टॉलरेंट है और दूसरा ये फास्टिडियस है. ये ऐसे एनवायरमेंट में ग्रो करेगा जिसमें एसिड की कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी यानी लो पीएच होगी,
और दूसरा उस एनवायरनमेंट में ये ग्रो करेगा जिसमें न्यूट्रिएंट्स जो है वो ज्यादा होंगे, जो जो न्यूट्रिशनली एनरिच एनवायरनमेंट होगा। तो इस तरीके हमारे पास स्ट्रेटेजी क्या होती है कि हम सौर क्रॉट बनाते हैं, सौर क्रॉट बनाने के लिए हम कैबेज शेड करते हैं, कैबेज शेड करने के बाद उसके ऊपर NaCl स्प्रेड करते हैं 2.5% NaCl, उसका बनता है ब्राइन। अब जब ब्राइन बनता है तो इस ब्राइन फॉर्मेशन में जब ज्यादा पानी निकलता है तो ब्राइन में NaCl की कंसंट्रेशन लो हो जाती है, उस ब्राइन पे कॉलीफॉर्म्स ग्रो करते हैं। कौन? कॉलीफॉर्म्स, ये वाले कॉलीफॉर्म्स। जब कॉलीफॉर्म्स ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे पीएच होती है 6.5। अब कॉलीफॉर्म्स ग्रो करेंगे तो यहाँ पे कॉलीफॉर्म्स की ऑटोलिसिस होगी, ऑटोलिसिस के रिजल्ट में जो सेलुलर मटेरियल है वो कमोलेट होगा, जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये एनवायरनमेंट न्यूट्रिशनली एनरिच हो गया है। ठीक है, अच्छा अब इस केस में यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया आएंगे और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दे विल स्टार्ट देयर प्रोडक्शन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की ग्रोथ स्टार्ट होगी बिकॉज ये न्यूट्रिशनली एनरिच एनवायरनमेंट है, पीएच इसकी 6.5 है ऑलरेडी कम है, और यहाँ पे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो है वो ग्रो करेंगे, उसके साथ ही पीडोकोकस लैक्टिस भी ग्रो करेंगे, और इस केस में पीएच मजीद ड्रॉप कर जाएगी आपको 3.7 और NaCl कंसंट्रेशन जो है वो फाइनली पहुंच जाएगी 3% पे। तो दिस एनवायरमेंट और दिस सेटअप दैट कैन बी यूज्ड टू आइसोलेट सम स्पेसिफिक बैक्टीरिया, और इसको हम कहेंगे सिक्वेंशियल बायोकेमिकल एक्टिविटी। You are using a sequential biochemical activity to isolate or to encourage the growth of specific or the targeted bacteria which is required by a food biotechnologist. और उसके लिए हमने यहाँ पे help ली है sauerkraut की, और sauerkraut जो था ये fermented cabbage है, और इसमें हम NaCl का इस्तेमाल करते हैं, coliforms आते हैं, pH कम होती है, nutritionally enriched होता है medium, और ultimately lactobacillus plantarum और pediococcus lactis grow करते हैं, and this is our target and we have achieved it. Again, samajh mein aa rahi hai baat? Saturated to nahi ho gaye? Good. Okay, aage hamare paas hai electrosimulation of metabolic production. Sorry, metabolite production. पीछे हम पढ़ के आए हैं द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर रहा था? मारिया नाम बताए थे, क्या नाम है? ग्लूटामिक। ठीक है, अच्छा देखें, Cyanobacterium glutamicum that was responsible for the production of glutamic acid, lekin that is not the one and only bacteria that is producing the glutamicum the glutamic acid in industry. Hum glutamic acid ko other strain se bhi produce karwa sakte hain, aur uske liye ek strain hai Bravibacterium flavum, this is there for the production of glutamic acid. Aur yahan pe method glutamic acid ke case mein humne padha tha के ग्लूटामिक एसिड ने सेल से एक्सपोर्ट आउट करना होता है, उस केस में हम ऑक्सोस्ट्रॉफ डेफिशिएंसीज देते हैं, बायोटिन डेफिशिएंसी, ग्लिसरॉल डेफिशिएंसी, ऑलिक एसिड डेफिशिएंसी की हमने बात की थी। तो अगर हम इस तरह कर दें कि सेल को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट करें कि सेल जो है वो मैक्सिमम मेटाबोलाइट को एक्सपोर्ट आउट करते हैं, परफोरेशन, मतलब हम सेल के अंदर ऑक्सोट्रॉफ सेल को नहीं बना रहे, सेल के साथ उसको मेटाबॉलिकली कंट्रोल नहीं कर रहे, हम सेल को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर रहे हैं कि उसके अंदर जो मैक्सिमम प्रोडक्शन हुई है प्रोडक्ट की, जो हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है, उसको सेल मैक्सिमली एक्सपोर्ट आउट कर दे, तो दैट वुड फॉल इन द कैटेगरी ऑफ इलेक्ट्रो स्टिमुलेशन ऑफ मेटाबोलाइट। और इसमें हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि हम प्रोटॉन मोटिव फोर्स जनरेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉन ड्राइविंग फोर्स, और इसमें साथ में हम स्पेसिफिक करंट प्रोवाइड करके, और ये आफ्टर फर्मेंटेशन हम ये इलेक्ट्रो सिमुलेशन करेंगे, यानी कि आफ्टर द ग्रोथ ऑफ द सेल, जब हमारे पास सेल्स एक पूरे बड़े कंटेनर में ग्रो कर जाएंगे। अब सेल्स ग्रो कर गए, सेल्स के अंदर ग्लूटामिक एसिड है, अब उस ग्लूटामिक एसिड को आपने पास थ्रू करना है, नाउ यू विल प्रोवाइड द इलेक्ट्रॉन डिराइविंग फोर्स एंड यू विल जनरेट इलेक्ट्रॉन मोटिव फोर्स, जिसमें हमारे पास इलेक्ट्रो उसमें पोरेशन के रिजल्ट में
हमारे पास ग्लूटामिक एसिड की प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम होगी, और इस केस में जो हम स्ट्रेन यूज करते हैं दैट इज प्रेविबैक्टीरियम ग्लूटामिक फ्लेवर, तो ये एक अदर स्ट्रेटजी है हमारे पास दैट कैन बी यूज. ओके, अगली बात ये है कि माइक्रोबियल एवोल्यूशन के आपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व देयर जेनेटिक मेकअप विद मल्टीपल प्रोसेसेस, और उनमें जो इम्पोर्टेंटली हमारे पास है उसमें सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी इम्पोर्टेंट है. अच्छा, अब इसमें एक बड़ा मसला ये है कि देखें, मिसाल के तौर पर आपने कोई एक स्ट्रेन जो था उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया अपने लिए और अपने स्ट्रेन के लिए, माइट पॉसिबल आप उसको ग्रो करवा रहे हैं और उसके साथ किसी कंटेमिनेंट की ग्रोथ आ गई है, और कंटेमिनेंट में और आपके टारगेट स्ट्रेन में कंजुगेशन हो गई है, और कंजुगेशन से क्या, जो आपका टारगेट स्ट्रेन था उसने कंटेमिनेंट का जेनेटिक मेकअप जो है उसको अडॉप्ट कर लिया, तो आपकी तो सारी मेहनत जो थी जेनेटिक रिकम्बिनेशन की वो वेस्ट हो गई, और जो आप इंडस्ट्री के अंदर अपने रिसोर्सेज यूज करके अपने डिजायर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो भी वेस्ट चले गए. सो इन चीज़ों से गेट रिड करना है, लेकिन उससे पहले ये पढ़ना है कि माइक्रोबियल एवोल्यूशन के कौन से तीन मेजर एस्पेक्ट्स हो सकते हैं. दिस इज एक्चुअली हैपन इन द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर. हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर इज द ट्रांसफर ऑफ जीन फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू द अदर, और लेटरल फ्रॉम एंसेस्टर टू द डिसेंडेंट्स, दैट वुड बी कॉल्ड लेटरल जीन ट्रांसफर. और हॉरिजॉन्टल जो है ये फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल, और लेटरल फ्रॉम एंसेस्टर टू डिसेंडेंट, यानी कि पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में जो आ रहा है दैट वुड बी लेटरल. और सेक्सुअल रिकम्बिनेशन है इसको, दैट इज कंजुगेशन, और कंजुगेशन होती है बिटवीन द ऑर्गेनिज्म व्हिच इज कंटेनिंग द एफ प्लाज्मिड. एचएफआर स्ट्रेन पढ़ी है, एफ प्लाज्मिड पढ़ा हुआ, ये मेरी डोमेन नहीं है, ये माइक्रोबियल जेनेटिक्स है, और आप लोग जेनेटिक्स में पढ़ी होगी, बाद में मॉलिक्यूलर में पढ़ी होगी, एचएफआर स्ट्रेन एफ स्ट्रेन. माइक्रोबियल जेनेटिक्स से कोई क्वेश्चन पढ़ा, मैं उस डिटेल में अभी नहीं जा रहा. There are certain bacteria which have F plasmid. So, जिनके पास F plasmid होगा, they would be called F positive bacteria. F positive bacteria ही F positive bacteria conjugation करते हैं, और F positive bacteria as a donor का काम करते हैं, और F negative bacteria जो है उन वो recipient का काम करते हैं. तो gene जो है वो जो हमारे पास यहाँ तक मैं बना सकूँ दो strain, if this is F positive और ये जो साथ है this is F negative, तो यहाँ से हमारे पास कॉन्जुगेशन के थ्रू जो जेनेटिक मेकअप है इसमें जाएगा, दिस वुड एक्ट एज अ डोनर, ठीक है, एफ पॉजिटिव वाला. तो ये सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन. उसके बाद है ट्रांसडक्शन. व्हाट इज ट्रांसडक्शन? ट्रांसडक्शन ट्रांसडक्शन इज द जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन दैट हैपेंस विद help of some specific vectors. मिसाल यहाँ पर directly gene जो है DNA transfer हो गया है. मिसाल के तौर पे यहाँ पे ये हमारे पास एक bacterial strain थी. This is the A, this is the B. इस strain के ऊपर virus ने आके infect किया. Virus यहाँ पे lytic cycle हुआ, lysogenic cycle, lytic cycle के बाद वो virus के new particles बने, new virus progeny बनी. उसके अंदर इस bacteria का DNA भी साथ ही pack हो जाएगा virus की new progeny. और फिर वो न्यू प्रोजेनी जाके जब स्ट्रेन बी को इन्फेक्ट करेगी तो इस बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मेकअप जीन्स का पार्ट अपने साथ लेके आई है वो स्ट्रेन बी को भी ट्रांसफर कर देगी. इसका मतलब है कि जीन स्ट्रेन ए की जीन ट्रांसफर हो रही है बी में विद द हेल्प ऑफ अ वेक्टर, और वेक्टर कौन है यहाँ पे? इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन इज द ट्रांसफर और द अपटेक ऑफ naked DNA, the DNA which is not inside the any cell, naked DNA. Naked DNA का uptake जो है, for example, इस solution के अंदर एक test tube, उसके अंदर आपने bacterial cells हैं, और साथ ही किसी दूसरे bacterial cell का naked DNA आपने isolate करके डाल दिया, and the uptake of the naked DNA into the living cell that would be referred as transformation. तो ये microbial evolution के कुछ aspects हैं. This chapter has been completed. I have uploaded the chapter on the LMS. You must revise the chapter slides or aapke notes aapke paas hain. If you guys have any question you may ask, but be ready for quiz. So, quiz dete hain ji. Books ke link kar diya chapter upload.
बुक भी चाहिए था, बुक भी कर दूंगा, लेकिन वो हैवी थी, वो हो नहीं रही थी, मैं वो भी कर देता, मैं उसको जी ड्राइव में करके जी ड्राइव का लिंक दे दूंगा।